फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंदना खाना खजाना। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी समर स्पेशल बहुत ही प्यारी सी स्वीट डिश मैंगो खीर। ये बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और डिलीशियस होती है और ये डिश आइसक्रीम को रिप्लेस भी करती है, तो समर के लिए ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो टाइम को गवाए बगैर चलिए बनाना शुरू करते हैं समर स्पेशल मैंगो खीर। खीर बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप चावल। चावल कोई स्पेशल चावल लेने की जरूरत नहीं है, जो आप रोज खाते हैं उसी चावल को लेना है। इसको अच्छे से वाश करके इसको 20 मिनट के लिए भिंगा देना है। 20 मिनट के बाद इसके पानी को छान लेना है। अब गैस पे हमने 1.5 लीटर दूध को बॉईल कर लिया है। दूध अच्छे से बॉईल हो गया है, अब इसमें हम चावल को डाल देंगे। चावल को डालने के बाद 1 चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे, तो लगभग 10 मिनट तक इसे हमें ऐसे ही पकाना है और बीच बीच में चलाते रहना है। 10 मिनट हो गए हैं चावल को पकते हुए, तो चलिए इसे एक बार चेक कर लेते हैं। इसे अच्छे से चलाकर हम चेक करेंगे और देख लेंगे चावल कितना मेरा पका है। ये बिल्कुल अच्छे से पकना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं चावल पक गया है। ये अच्छे से टूट रहा है लेकिन अभी बिल्कुल मैश नहीं हो रहा है, तो इसे हमें 6 से 7 मिनट और पकाना है और बीच बीच में चलाते रहना है। लगभग खीर को पकते हुए 7 मिनट हो गए हैं, तो इसे एक बार हम फिर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये खीर अच्छे से पक गई है, काफी थिक हो गई है। हम चावल को चेक कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं इस समय चावल अच्छे से मैश हो रहे हैं, तो चावल मेरे अच्छे से पक गए हैं। इस समय इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप दूध में हमने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हम इसमें डाल देंगे, इससे खीर में एक अच्छी थिकनेस आएगी और एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहिए तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे चीनी, 5 चम्मच इसमें हम चीनी डालेंगे, या कप से देखें तो लगभग 1/2 कप इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप अपनी इच्छा से कम या ज्यादा कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा चीनी अभी डालने की इसमें जरूरत नहीं है। चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके 4 से 5 मिनट इसे और पकाना है, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी और इसमें दूध भी हमने बाद में ऐड किया। सब अच्छे से पक जाए तो 4 से 5 मिनट तक इसे स्लो गैस पर हमें और पकाना है। तो 5 मिनट इसे हमने और पका लिया है, आप देख सकते हैं खीर बिल्कुल ही अच्छे से पक गई है। इस स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे केसर वाला दूध। तो 1/2 कप दूध में हमने थोड़े केसर के धागों को भिंगा दिया था, उसमें डाल देना है। इससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है और कलर भी अच्छा आता है। इसको डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, बस 1 मिनट इसे हम और पकाएंगे, फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा करेंगे। खीर को हमने गैस से उतार लिया है, इसे एक बार और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, फिर इसे एक हैंड ब्लेंडर की सहायता से मिक्स कर लेंगे। ये इस तरीके का हैंड ब्लेंडर जो आता है उसकी सहायता से इसे हमें मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास जो भी चम्मच, मोटे तले का कुछ चम्मच हो, उसकी सहायता से आप इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि चावल के जो खड़े खड़े दाने होते हैं वो जो नहीं अच्छे से मिक्स हुए होंगे वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और खीर बिल्कुल ही आपकी परफेक्ट हो जाएगी। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, अखरोट, जो भी आपके पास हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। ये बिल्कुल आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना है। ये सब डालने के बाद इसे अच्छे से फिर एक बार मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, उसके बाद इसे हम फ्रिज में रख देंगे लगभग 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। अब लगभग 3 घंटे के बाद इसे हमने फ्रिज से निकाल लिया है, ये बहुत ही ठंडी हो गई है, बिल्कुल ही चिल्ड हो गई है। अब हम लेंगे एक बड़े साइज का आम, इसकी हमें प्यूरी बनानी है। आम बिल्कुल मीठा होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है कि आम खट्टा आम नहीं होना चाहिए, ये आपको श्योर करना है। अब आम को छील कर मिक्सी में डालकर आम की हमने प्यूरी बना ली।
प्यूरी बनाते समय आपको कोई भी दूध या पानी डालने की जरूरत नहीं है, बस आम की ही प्यूरी बनानी है और उसे पूरा इसमें डाल देना है। इसे डालने के बाद इस चम्मच की सहायता से पूरे आम की प्यूरी को अच्छे से खीर में मिक्स कर देना है। अच्छा, शुरू में हमने बोला था खीर में आपको चीनी ज्यादा नहीं डालनी है। अगर आप चीनी ज्यादा डाल देंगे ना, तो जब आम को आप इसमें मिक्स करेंगे तो खीर आपकी ज्यादा मीठी हो सकती है, इसलिए आप ये देख के ही डालिएगा, क्योंकि आम भी मीठा ही इसमें डालना है। अगर आपको फिर भी चीनी कम लगती हो तो आप किसी भी चीनी इस समय डाल सकते हैं, नहीं तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 चम्मच छोटी इलायची का पाउडर। तो आम के साथ छोटी इलायची का पाउडर, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, तो प्लीज आप इसे स्किप नहीं करिएगा, इसे जरूर डालिएगा। और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे, कटे हुए पिस्ता, और थोड़ा उसमें डाल देंगे हम आम के पीसेस को, छोटे छोटे पीसेस को काट के आम को इसमें डाल देंगे। उसे बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगेगा और देखने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब चलिए खीर को हम सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए हमने ये बाउल लिया है, ये आइसक्रीम वाला बाउल है, इसमें हम खीर को सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं खीर बिल्कुल ही ठीक है, अब बहुत ही अच्छी है, परफेक्ट है। अगर आप चाहिए तो खीर को और पतला कर सकते हैं, पर मैंगो खीर जो होती है ना, वो पतली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आपको इसी तरीके की खीर आप बनाएंगे तभी आपको पसंद आएगी। एक बार आप इस तरीके से बना के देखिए तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैंगो खीर ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। अब किसी भी फंक्शन या पार्टी में आप आइसक्रीम की जगह इसे सर्व करिए खाने के बाद, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है, बिल्कुल ही आइसक्रीम को रिप्लेस करती है। इसे खाने के बाद लोग आइसक्रीम को बिल्कुल भूल ही जाएंगे। अब आपने देखा ना इसे बनाना कितना आसान है। इसके लिए आपको स्पेशली कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आपके घर पे जो सामान होता है बस उन्हीं सामानों से ये खीर बनके तैयार हो जाती है। और ये खीर बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो प्लीज इस खीर को एक बार जरूर ट्राई करिए, और किसी भी फंक्शन पार्टी या आपका यूं ही खाने का मन हो कभी, तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं। अब इसे हम गार्निश कर देंगे कटे हुए पिस्ते से और मैंगो से। मैंगो की छोटी छोटी पीसेस काट के इसके ऊपर से सजा दीजिए, बहुत ही ये देखने में सुंदर लगता है। और यकीन मानिए जब इसे आप किसी भी फंक्शन या पार्टी में बनाकर सर्व करेंगे तो एक बार लोग इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे और आप लोगों की ढेर सारी तारीफें बटोर लेंगे। इसे बनाते हुए लगभग मुझे 7 से 8 साल हो गए हैं, पर आज भी मेरे घर वालों को ये खीर बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, और मुझे तो स्पेशली ये खीर बहुत पसंद है, मैं इसे अक्सर ही बनाती रहती हूँ। अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं, इसके मतलब ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साइड में जो बेल आइकन होता है आप उसे भी प्रेस कर देंगे ना, तो मेरी आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।